गुजरात के पाटन जिले के कुणघेर गांव में रहने वाले 48 वर्षीय नीलेश राजकौर पर्यावरण संरक्षण के एक ऐसे योद्धा बनकर उभरे हैं जो खुद तो बड़े पैमाने पर पेड़ लगाते ही हैं, पर साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का ऐसा अभियान चलाया है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। नीलेश राजकौर एक पार्ट टाइम इंश्योरेंस एजेंट हैं, जिन्होंने वर्ष 2015 में पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया और अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया, जिससे उन्होंने आज 8 लाख से ज्यादा पेड़ लगा डाले हैं। वो न केवल पेड़ लगाने की दिशा में काम करते हैं बल्कि ऑक्सीजन पार्कों की स्थापना करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सबसे बड़ा अवार्ड तो परमात्मा का है कि इतने लाखों पेड़ जो आज बड़े हो गए और जो पंछी जो अलग अलग जीव सृष्टि है तो वो जो पलप रही है और जो प्रकृति का सही मायने में संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, जो लुप्त हो रही थी वनस्पतियाँ, जो लुप्त हो रहे थे पंछी, जो लुप्त हो रही थी वाइल्ड लाइफ, उसके लिए कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं तो एक सुकून मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे। आज लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, लाखों लोगों ने प्रेरणा लेके अपने अपने गाँव में काम शुरू किया है। नीलेश के इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा है लोगों से पेड़ लगाने और ग्रीन कमांडो बनने की शपथ दिलवाना, जिसमें अब तक 3 लाख से अधिक लोग शपथ ले चुके हैं। पर्यावरण प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन करी मारा राष्ट्र ने बलवान बनावा मारु श्रेष्ठ योगदान आपीश। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए इस अद्भुत कार्य के लिए नीलेश को कई बड़े अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें उन्हें वर्ष 2021-22 के लिए क्लाइमेट चेंज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वो जो कोई भी काम मैं करता हूँ या जो भी काम करता है उसके लिए एक प्रेरणा बनता है, पूरा राज्य जानता है, देश जानता है, तो उससे कई लोग प्रभावित होकर मेरे जैसे कई युवा उसमें जुड़ते हैं। जैसे वन पंडित अवार्ड गुजरात का सर्वोच्च अवार्ड है, क्लाइमेट चेंज का अवार्ड भारत सरकार की तरफ से है और 1 लाख नकद राशि, तो ये सब एक सुकून देता है कि भाई कोई तो है जो हम काम कर रहे हैं उसको देख रहा है। नीलेश का उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आने वाली पीढ़ियां भी जागरूक रहें, जिसके लिए वो कई स्कूलों और कॉलेजों में कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन करते हैं। वो छात्रों और सरकारी अधिकारियों से मिलकर पर्यावरण की देखभाल के लिए लगातार प्रयासरत हैं। श्री नीलेश भाई राजगौर के साथ हम तकरीबन 7 साल से जुड़े हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। हमने काफ़ी सुना है कि पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि थे, वो काम करते थे लोगों में धर्म और काफ़ी जागृति का काम करते थे, समाज के लिए काम करते थे। हमने तो ऋषि मुनि नहीं देखे, लेकिन आज हमने 7 साल से तो एक ऋषि देखा है जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करके जो काम कर रहा है। तो नीलेश भाई गुजरात में हमारे यहाँ पाटन में काम करे, उनका काम पूरे गुजरात में फैला हुआ है। नीलेश ने अपने प्रयासों से न सिर्फ लोगों को जागरूक कर पाटन जिले को हरा भरा बनाया है, बल्कि वो जलवायु परिवर्तन से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं।